गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 7. चैप्टर नंबर 17. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेस्ट वाटर स्टोरी. मतलब जो वाटर है उसकी वेस्ट स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरीके से पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है या फिर किया जा रहा है. ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है बिना पानी के पॉसिबल नहीं है. पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक ह्यूमन बींग के लिए, उसके जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और एनिमल्स, प्लांट्स सभी को जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए. वैसे भी जो हमारा बॉडी है वो 75% जो है पानी से मिलकर बना होता है. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साफ पानी भी पिए और हमारे लिए पानी हमेशा मौजूद हो. ऐसा कभी ना हो कि पानी हमें ना मिले या फिर पानी की कमी हो जाए. तो ये सब भी हो सकता है अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं. यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि हम पानी के लिए क्या, मतलब पानी से क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर किस तरीके से हम पानी को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं. फिर उसके बाद है यहाँ पर वेस्ट वाटर एंड इट्स सोर्सेज. वाटर का वेस्ट कैसे होता है और वो किस किस साधनों से आता है. अब बात करें अगर वेस्ट की, तो पानी डेली ही वेस्ट होता है. जैसे कि बाथिंग में वॉशिंग क्लॉथ्स या फिर और भी चीज़ें, फ्लशिंग टॉयलेट्स या फिर प्रिपेयरिंग मील्स, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो, मतलब कि हम कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, पोछा लगाते हैं, नहाते हैं, तो इसमें कितने पानी, मतलब कितना ढेर सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है. इसी सब चीज़ों को क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे पानी वेस्ट होता है. और हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हम हमें आवश्यकता है. आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो वो वाटर वेस्ट कहलाएगा. अब हम पानी गंदा तो करते हैं, मतलब वेस्ट तो करते हैं, उसके साथ ही साथ हम पानी को गंदा भी करते हैं. वो कैसे, हमारे घर में जो हम वाटर वेस्ट करते हैं, जैसे हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी का गंदगी उस पानी के साथ चला जाता है, डर्टी हो जाता है. सोप हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या फिर टॉयलेट वगैरह होते हैं जो उसके पानी, वॉशिंग मशीन के पानी और भी शावर्स वगैरह पानी जो होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, सब जाके मतलब अच्छे पानी भी नदियों में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वही पानी हमारे घरों तक आते हैं. तो इस तरीके से हम पानी भी गंदा कर रहे हैं और प्लस वेस्ट भी कर रहे हैं. तो ये सारे हार्मफुल हैं जो कि हमें बीमारियों से बचा नहीं पाएंगे और हम बीमार पड़ते जाएंगे और ऐसे पानी भी कम होता जाएगा. तो इस तरीके से हम पानी को गंदा भी करते हैं. ओके, फिर है व्हाट इज स्विच. स्विच क्या है, जो हमारे घरों में टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ से जो जुड़े हुए होते हैं पाइप, और फिर वो किसी बड़े पाइप से जाकर जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है स्विच सिस्टम. कभी कभी क्या होता है, ये स्विच सिस्टम कभी कभी टूट जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है. ये एक ये स्विच सिस्टम दिखाया गया कि किस तरीके से एक पाइप होती है, फिर उसके बाद अगर पाइप टूट जाती है, कहीं से लीकेज होने लगता है, तो फिर वो पानी कहीं और, वो कंटामिनेटेड पानी होता है वाटर, तो वो कहीं और जाके मिक्स होने लगता है. तो फिर क्या करते हैं, एक रिपेयरिंग वाले को बुलाते हैं और फिर वो ठीक करता है. उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठीक हो जाता है, तो वहाँ से पानी लीक होना बंद हो जाता है और ये प्रोसेस ठीक से चलने लगता है. कभी भी जो मैन होल होता है, मतलब जहाँ से वो ठीक करते हैं जिस नाले से, उसको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी डेंजर हो सकता है किसी के लिए भी, कोई उस गटर में गिर भी सकता है ना. फिर है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. पानी जब पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो
बहुत ही कीमती है, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वेस्ट वाटर है भी, अगर पॉल्यूटेड वाटर है भी, तो उसको हमें क्लीन करके प्यूरीफाई करके उसे भी यूज़ में लाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये किस तरीके से कुछ चीज़ें दिखाई गई, किस तरीके से जो वाटर है वो क्लीन हो सकता है। तो यहाँ पे है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। यहाँ पे जितने मतलब पानी जो होता है, यहाँ पे जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो सब यहाँ पे हटाए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि पानी को साफ करके यूज में लाया जा सकता है। फिर देखिए सेकेंडली यहाँ पे दिखाया गया है डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पे डाइजेस्टर टैंक है जिससे कि पानी को और भी साफ करके और उसको भी यूज में लाया जा सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जितने भी पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर है उसको आप यूज में ला सकते हैं, उसको अगर प्यूरीफाई करें तो। इस तरीके से आप उसे फेंक नहीं सकते या फिर उसको वेस्ट पूरा नहीं कर सकते। फिर है यहाँ पे वाटर क्लैरिफायर है। तो किस तरीके से जो वाटर है उसको क्लियर करा जाता है, एकदम क्लैरिफाई कर दिया जाता है, उसके बाद उसे अच्छे तरीके से उसे यूज में लाया जा सकता है। फिर यहाँ पे है ये एक एरोटोर है जो कि क्या करता है, ये जो वेस्ट वाटर होता है उसको सर्कुलेटिंग में मतलब एयर सर्कुलेटिंग में से रिएक्ट करता है, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और उसके बाद ये जो वेस्ट वाटर होता है ये एक तरीके से यूजफुल हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जिससे कि जो वाटर वेस्ट वाटर है वो एक तरीके से यूज में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप एक्टिविटीज़ घर पे कर सकते हैं, मतलब इजी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं जिससे कि आप जो वेस्ट वाटर है उसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं, वाटर वेस्ट नहीं होगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है। आप जानते हैं कि हमारी लाइफ चलने के लिए या फिर हमारा जीवन प्रॉपर तरीके से चले इसके लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अच्छा पानी है उसमें ये स्वेज का पानी न मिले, इसलिए आपको एक प्रॉपर तरीके से ये मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि वाटर कहीं से भी पॉल्यूट न होने पाए, खास करके ये स्वेज से, क्योंकि ये स्वेज बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देता है पानी को, और फिर वो पानी अगर हम तक आता है तो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इस तरीके से हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट इन सारी चीज़ों से तो गंदा ना हो। इस वजह से बहुत ही ध्यान रखें कि जो स्वेज सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से जहाँ पे है वहाँ तक वो प्रॉपर तरीके से जाए। अगर कहीं से लीकेज है या फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि वो अगर ठीक नहीं होगा तो ये जो मतलब साफ पानी है वो भी ख़राब हो जाएगा और फिर वो हम तक आएगा तो हम बीमार पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको हमारी और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे सही ढंग से चलाएं। अब यहाँ पे कुछ वेज बताए गए हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेंट होते हैं, ऑटोमोबाइल पेंट होते हैं, पॉलिशेस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब टॉक्सिक मतलब जहरीली चीज़ें होती हैं जो कि आपको पानी में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, उससे पानी भी जहरीला हो सकता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेबल होता है, मतलब नॉन डिग्रेबल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक और भी चीज़ें जो कि मिट्टी में मिल नहीं सकती हैं, उसको हमें कहीं किसी भी पानी की वाली जगह में उसे नहीं फेंकना चाहिए, या फिर जहाँ पे कोई भी पाइप वाइप हो वहाँ पे आपको नहीं फेंकना चाहिए। उससे वो क्या करेगा, पाइप में फंस जाएगा और फंसने के बाद वो वहाँ भी मतलब गंदगी क्रिएट कर सकता है, वाटर का वेस्ट हो सकता है। और जैसे कि आप लोग रिवर्स वगैरह में नहाने जाते हैं, गंगा जी जाते हैं नहाने, या फिर किसी भी नदी में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग माला फूल फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें फेंक देते हैं, फूल वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे भी बहुत सारा जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट होता है, वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये सारी चीज़ों को करने से बचाना चाहिए, ठीक है।
फिर है सैनिटेशन ऑफ डिसीजेस। अब यहाँ पे सैनिटेशन ऑफ डिसीजेस बता रहा है कि जो हमारी कंट्री है उसमें सैनिटेशन वो एक मेन मतलब प्रॉब्लम है। वैसे तो इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुका है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में कई गांव में करीबन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम से कम 700 मिलियंस जो पीपल्स हैं उनके पास टॉयलेट्स अब भी नहीं है, उनके घर में टॉयलेट्स नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब इशू है कि लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट के लिए तो वो कितना मतलब गंदगी क्रिएट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इससे बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट होते हैं। सरकार ने उनको फ्री टॉयलेट दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टॉयलेट को यूज़ भी नहीं करते हैं, उनके घरों में है फिर भी वो यूज़ नहीं करते, वो बाहर ही जाते हैं। तो उससे सोचिए वो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, डिसीजन कितनी क्रिएट होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और वो अपने टॉयलेट्स को यूज़ करें। अब यहाँ पे इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ स्वेज डिस्पोजल। अब यहाँ पे एक तरीके का ऐसा एक टैंक बनाया गया है जो कि जो स्वेज वाटर है या स्वेज मटेरियल जो भी है उसको वो क्या करेगा, डीकम्पोज कर देगा। मतलब डिस्पोजल होता है इस तरीके का कि वो उसी में उसको नष्ट कर देगा, जिससे कि वो जो उससे स्वेज वाटर होगा या फिर पॉल्यूटेड वाटर जो होगा वो बाहर नहीं जाएगा या फिर बाहर दूसरे वाटर को पॉल्यूट नहीं करेगा, वो वहीं पे डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो बच सकेगा, वाटर पॉल्यूशन बच सकेगा और वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस बता रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में जो सैनिटेशन की चीज़ें होती हैं वो सैनिटेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए, और अगर वहाँ पे है तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक रेगुलर उसे यूज़ कर रही है तो उसमें मतलब काफ़ी मतलब टॉयलेट्स उसमें एक ही ना रहे और रेगुलर उसमें सफाई होती रहे। अगर पब्लिक प्लेस में है तो एक से दो से ज़्यादा टॉयलेट्स तो वहाँ होनी ही चाहिए पब्लिक को देखने के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वहाँ की सफाई भी होनी चाहिए, प्लस वहाँ पे सोप वगैरह भी रखने चाहिए ताकि वो अपने हैंड्स को भी साफ रख सके, क्योंकि खुद की भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो हेल्थ भी ध्यान रखा रहे, एनवायरनमेंट भी ध्यान रहे, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके चैप्टर में। चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड एज डोमेस्टिक वेस्ट। सो योर आंसर इज फ्लाई ऐश। ओके, सेकेंड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट विच कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस इज डैश। योर आंसर इज स्लेज। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स कंपोजिस्टिंग ऑफ वेस्ट वाटर सॉलिड्स डैश। योर आंसर इज थर्मल डी पॉलीमेरिक सोल्यूशन। ओके, फोर्थ नंबर इज द स्ट्रीम ऑफ स्वेज विच एंटर्स द ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड डैश। योर आंसर इज इनफ्लुएंट। ओके, बी नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय द डैश एंड डैश। योर आंसर इज डोमेस्टिक वेस्ट garbage. Okay, second is dried dash is used as manure. Your answer is waste. Now third is wastewater released related by houses is called dash. Your answer is household water waste. Okay, wastewater. Now fourth number is cleaning of water is process of removing dash. Your answer is waste. Now match the following. First is First is irritation.
सॉरी एरेशन, एरेशन कहाँ मैच हो मैच होगा, ये मैच होगा थर्ड में, ओके। नाउ सेकंड इज कॉगुलेशन, कॉगुलेशन कहाँ मैच होगा, ये मैच होगा फोर्थ। नाउ थर्ड इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहाँ मैच होगा, फिफ्थ में। फोर्थ इज स्लेज, स्लेज कहाँ मैच होगा, ये फर्स्ट में मैच होगा। फिफ्थ नंबर इज क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन कहाँ मैच होगा, सेकंड में। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन एज अ होमवर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।